जी, ये क्वेश्चन पेपर में जब आया था तो काफी सारे स्टूडेंट परेशान हो गए थे। वजह ये नहीं कि सवाल मुश्किल था, ट्रेंड चेंज था। और आपको पता है, जब आई कैप ट्रेंड चेंज करता है तो परेशानी तभी होती है। बस इस सवाल के अंदर आई कैप ने कहा कि भाई साहब, आप ना मुझे फाइनेंशियल पोजीशन बना कर दे, प्रिपेयर का ये सवाल। अगर वो हमें कहता कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाए तो फिर शायद हमारा ये सवाल हो जाता। लेकिन उसने क्या किया कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर को इनकम एंड एक्सपेंडिचर खुद बना के दे दिया और हमसे पूछा कि सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना। और उसने एक और चीज भी दे दी हमें, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट भी दे दिया, यानी दो बना के हमें दे दिए। और हमें कहता है जी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर पढ़िएगा जरा, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ, मतलब ये पहला साल है, इसके ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं, पिछले साल कुछ नहीं था, सब कुछ इसी साल है। और हमसे ये पूछा गया जी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाए, और हम नॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे, कोई इसमें कोई नई चीज नहीं उसने पूछी थी। तो OFC नाम लिखेंगे पहले, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एज एट 31 दिसंबर 2021। ये है हमारा सवाल। सबसे पहले उसने, क्योंकि पहले साल का ऑपरेशन है, जो भी खरीदा होगा, बेचा होगा, इस्तेमाल हुआ होगा, इसी साल ही हुआ होगा, बस ये कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी थी और काम हमारा आसान हो जाना। यहां पर सबसे पहले क्या लिखते होते हैं, एसेट्स, नॉन करंट एसेट लिख लेते हैं। हाँ जी, रुपीज। अब आपने देखना है कि आपके पास नॉन करंट एसेट, अब खुद बताएं क्या मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से नॉन करंट ले सकते हैं? कभी भी नहीं, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर तो उसकी डेप्रिसिएशन हो सकती है और तो कुछ नहीं हो सकता, या गेन या लॉस हो सकता। तो यहां पर अगर आप देखें तो उसकी डेप्रिसिएशन हमें गिवन 200 और साल ही पहला है, और यहां पर उसने इक्विपमेंट खरीदा हुआ है 2560000 का, अगर अमाउंटेड 1000 है तो हम ऊपर अमाउंटेड 1000 लिख लेते हैं, अमाउंट एंड 1000। जी जनाब, ये बात समझ लगी? तो आप मुझे बताइए कि जब उसने इंफॉर्मेशन ही एक बताई हुई है, और नॉन करंट एसेट देखें जरा यहां पर, जो कि नॉन करंट एसेट्स हूं, एक तो इक्विपमेंट हमें नजर आ गया, दूसरा कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, वर्क इन प्रोग्रेस, जो कंस्ट्रक्शन हो रही है वो अभी डेप्रिशिएट नहीं होगी। क्लियर होगी बात? तो एक तो हमारे पास ये दो चीजें नजर आ रही हैं हमें, कि एक हमारा इक्विपमेंट है, दूसरा हमारा, तो जरा लिखना शुरू कर देते। माइक ऑन आ रहा है, माइनस कर देंगे। कस्टमर ही इंट्रोवर्ट हो ना बता सके, तो लोग जो चीज आती थी अब वो नहीं आ रही है, उतने की महंगाई बहुत हो गई है। चलिए, तो एक तो हमारा इक्विपमेंट आ गया
और उसकी डेप्रिसिएशन आ गई, दूसरा हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग आ गई। और मुझे बताएं कोई नॉन करंट एसेट है या नहीं, बताएं आपके सामने है क्या कोई और नॉन करंट एसेट आपको नजर आ रहा है या नहीं। ये जो फिक्स डिपॉजिट है फिक्स डिपॉजिट को ना नॉर्मली आई कैप ने तो अपने सॉल्यूशन में इसको करंट एसेट में लिखा हुआ है, तो आपने फिक्स डिपॉजिट को भी नॉन करंट एसेट में लिख दिया करो, कोई मसला ही नहीं है। फिक्स डिपॉजिट है और फिक्स डिपॉजिट अब अगर मोर देन 1 ईयर के लिए होता है तो वो हमारा नॉन करंट एसेट बन जाएगा। तो हमें बेसिकली यहां से तीन बातें मिले, वन बाद में दोबारा बता रहा हूं, आई कैप का अगर आप जाकर सोल्यूशन देखोगे तो आई कैप के सोल्यूशन में उसने फिक्स डिपॉजिट को करंट एसेट में लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूं कि फिक्स डिपॉजिट को आप नॉन करंट एसेट में लिख दिया करो, क्योंकि उसने खुद लिख दिया है फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, तो आप अपने एसेट लिखो जरा, इक्विपमेंट है, फिक्स डिपॉजिट है और कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग है। तो पहले इक्विपमेंट लिख लें, इक्विपमेंट मुझे बताओ सारी अमाउंट से आएगा या डेप्रिसिएशन माइनस करके आएगा। 2560 और नीचे उसने यहां पर डेप्रिसिएशन भी बताई हुई 200, ये हमारे पास आ गया 2360 और उसके बाद है बिल्डिंग, सीवेप है वो एज इट इज आ जाएगा अपनी अमाउंट का, क्योंकि उसकी अभी डेप्रिसिएशन तब तक चार्ज नहीं करेंगे तब कंप्लीट ना हो जाए। और मैं आपको फिक्स डिपॉजिट भी यहां पर टू जीरो टू जीरो। लो जनाब, इसके अलावा अगर आपका कोई रिसीट एंड पेमेंट के अंदर कोई नॉन करंट एसेट अगर आपको नजर आ रहा है तो बताएं, हम लिख लेते हैं, वरना ये सवाल हमारा पूरा हो गया। ओके होगी बात, तो करो जरा प्लस इसको जल्दी से अगर किसी के पास कैलकुलेटर है। अस्सलाम वालेकुम सर, ये कौन सा क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है मेरे भाई नंबर 3 है, ऑटम 22 का सवाल हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एनबीओ का क्वेश्चन है। हाँ जी बताइएगा जरा कितना आंसर आ गया, इन तीनों को प्लस करें। 180 सॉरी 580 5880 5880। उसने हमसे एसओएफपी पूछा है, तो हम सिर्फ करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट ढूंढ के और बाकी चीजें ढूंढ के लिख देंगे। करंट एसेट्स पे हाँ जी ढूंढ, ये सवाल आपके सामने आया, करंट एसेट्स ढूंढें। हाँ जी जनाब, करंट एसेट्स को हमने ढूंढना है। सबसे पहले देखें कि अगर कोई कोई प्रीपेड है या कोई अक्रूड है, इन चीजों पहला साल है ना तो काम बहुत आसान है, उसने प्योर कॉन्सेप्ट पूछा है। देखिएगा जरा, सैलरी हमारी हमने पे की 640, सैलरी एक्सपेंस है 700, अक्रूड है या प्रीपेड है बताएं जरा, सैलरी अक्रूड है या प्रीपेड है, साथ साथ कंट्रीब्यूट करो पार्टिसिपेट करो। 640 पेड है और एक्सपेंस में लिखा हुआ है 700, यहां से हमने करंट लायबिलिटी, क्योंकि 640 पे किया 700 बनती है, इसका मतलब है 60 अभी स्टिल अनपेड है। यहां पर देखिए रेंट पे किया, रेंट बनता है
760 करंट एसेट पर प्रीपेड के नाम। ये मैं पहले ये करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी ढूंढते हैं और फिर उसके बाद ये सवाल में पुट कर देंगे। ये सवाल प्योर कॉमन सेंस वाला था और आसान सवाल था। ओके की बात। फिर उसके बाद आए जरा सब्सक्रिप्शन पे। सब्सक्रिप्शन आपने जो पे की है, रिसीव की है, वो 2021 की है 2800। इसका मतलब है ये तो 2021 की हुई और जो 2022 रिसीव कर दी ये तो करंट लायबिलिटी होगी क्योंकि आपने अगले साल की सब्सक्रिप्शन भी रिसीव कर ली। अगले साल की भी सब्सक्रिप्शन रिसीव कर ली। उसके बाद आगे चलते हैं और चीजें ढूंढते हैं। आप मुझे बताइएगा जरा कि ये जो आपका फिक्स है इसके ऊपर और इंटरेस्ट मिल कितना गया? इंटरेस्ट मिल कितना गया? 150। और सारी इंफॉर्मेशन साइलेंट है तो इसका मतलब है 202 हमारा इंटरेस्ट बनता है, मिला सिर्फ 150। तो यहां से भी ये चीजें कॉमन सेंस वाली हैं। अब यहां पर देखें जरा ये जो 2022 की सब्सक्रिप्शन है मुझे बताओ क्या ये इनकम में आएगी या नहीं? पहला साल है ना अभी, 2022 की सब्सक्रिप्शन क्या इनकम में आएगी या नहीं? और हम बना रहे हैं 2021 की, नहीं आएगी क्योंकि एडवांस है। 2021 की सारी आएगी। सब्सक्रिप्शन इनकम में लिखा हुआ 50 लेकर 2000 इनकम मिल गई है वो मिली है सिर्फ 2800। इसका मतलब है बाकी की सब्सक्रिप्शन स्टिल टू रिसीवेबल है। यहां से आपको एक हिंट मिल गया करंट एसेट। लो जनाब, जिनको मैंने हाईलाइट किया है, मैंने कोशिश की है कि इसमें से आपको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज मिल जाएं। अब देखें हमने कंपेयर किया रिसीट एंड पेमेंट को किसके साथ कंपेयर किया, किसके साथ कंपेयर किया? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के साथ। वहां से हमें यह पता चल गया कि कितने पैसे मिल गए, कितने अभी रहते हैं, और ये जो इसका बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस है वो तो कैरी ऑन, वो तो सीधा सीधा करंट एसेट ही है ना। फिर लायबिलिटीज में मैंने आपको करंट लायबिलिटीज भी इधर से ढूंढ लेते हैं ताकि दोबारा हमें वापस ना आना पड़े। लायबिलिटीज में देखेंगे जरा, आपको पैसे ज्वाइनिंग फीस के, मैं लायबिलिटीज का थोड़ा कलर चेंज कर लू, चलिए ज्वाइनिंग फीस के पैसे 2100 मिले टोटल रिसीव किए आपने ज्वाइनिंग फी। क्या किसी जगह इनकम में लिखा हुआ है ज्वाइनिंग फीस के नाम से या नहीं? 2100 आपको पैसे मिले रिसीव किए आपने, क्या इनकम में कहीं लिखे हुए हैं? अगर इनकम में पैसे रिसीव किए हुए ना लिखे हों तो वो सिर्फ लायबिलिटी में चले जाते या फंड के अंदर। कोई भी पैसे जो हम रिसीव कर लें या तो इनकम में नजर आने चाहिए। अगर इनकम में नजर नहीं आ रहे तो इसका मतलब है या तो वो अभी तक यूटिलाइज नहीं हुए। और इंटरेस्टिंग बात देखिएगा जरा, यहां पर देखें कि लाइफ मेंबरशिप फीस आपको मिली है 1840। आप इनकम में लिख रहे हैं, बाकी कहां लिखोगे फिर? यानी लाइफ टाइम मेंबरशिप आपको मिली कितनी? 1840। रिसीट साइड में लिखा हुआ है 1840, लेकिन उनमें से इनकम में कितना जा रहा है? 360। इसका मतलब है लाइफ टाइम मेंबरशिप, आपको पता है ना बाद वाली जो अनयूटिलाइज्ड होती है वो हम लायबिलिटी में लिख देते हैं।
तो यहां से भी हमारी लायबिलिटी नजर आ गई। हाँ, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी अगर आप उसमें नहीं कर रहे तो आप इकट्ठी भी लिख देना। क्लियर होगी बात? यहां पर आप मुझे सिर्फ एक चीज फाइंड करके दे दें, क्लोजिंग स्टॉक कितना है। यहां से सिर्फ ये मुझे फाइंड करके दे दें, क्लोजिंग स्टॉक कितना है। आपने खरीदा था 700 का, 700 का आपने खरीदा था, आपने उसको बेचा 720 रुपए में, से पैसे मिल गए, उसके ऊपर आपने प्रॉफिट कमाया 30 का, तो बताओ क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा। दोबारा मैं इसको अलग से आपको बता देता हूं, यहां आइए जरा, यहां पर वर्किंग करवाता हूं। आपने कैंटीन के लिए सामान खरीदा था 700,000 का, इसमें से जो बिक गया 720 का बिक गया, लेकिन 720 जो बिक गया इसमें प्रॉफिट भी है। इसका मतलब है अगर 720 में से मैं प्रॉफिट निकाल दूं 690, 690 वाला स्टॉक मैंने बेचा है, 700 का खरीदा है, उसमें मैंने बेचा कितने का है, जिसको बेचा उसकी कॉस्ट है 690, जिसको बेचा उसकी कॉस्ट कितनी है 690, क्योंकि यहां पर देखे ना 720 सेल हुआ और उसके ऊपर प्रॉफिट कितना कमाया 30 का, तो 690, और 690 में जितना सेल किया उसकी कॉस्ट है 690 और जितना खरीदा था वो है 700। तो लो मेरे भाई, मेरे पास स्टॉक बचा कितने का, जी जनाब। यहां पर देखिए एक और चीज भी है, एंड पे देखिएगा जरा, कहता है OFC also operates canteen, all sales and purchase canteen are made for cash, salary कहता 90,000 की जो सैलरी है वो पेमेंट्स के अंदर शामिल है। इसका मतलब ये जो 30 है ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, ये तो नेट प्रॉफिट है। तो अब इक्वेशन बना लेते हैं, इक्वेशन वो प्रॉफिट की, प्रॉफिट किसके बराबर होता है, सेल माइनस अदर एक्सपेंस, नेट प्रॉफिट, यही सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल माइनस एक्सपेंस। अब अगर मैं बात करूं सेल की, सेल मेरे पास है सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल का फार्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इसलिए बनाई ताकि हमें सवाल करते हुए आसानी हो जाए। हमने टोटल सेल किया है जनाब 720 की, माइनस ओपनिंग स्टॉक है नहीं क्योंकि पहला साल है, परचेज हमने किया है टोटल 700 की, क्लोजिंग स्टॉक हमने फाइंड किया, एक्सपेंस आया हमारा जनाब 90 का, 90,000 में कर, यहां से एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो, आपके पास क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 30 में 90 प्लस कर दो, 720 जाकर माइनस कर दो और 700 जाकर प्लस कर दो, तो आपके पास 100, क्योंकि उसने जो 30 दिया हुआ था वो नेट प्रॉफिट दिया हुआ था।
ये बात मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ी कंफ्यूजन है क्योंकि पैटर्न से हटके है ना, जब कोई चीज पैटर्न से हटके आती है ना तो तब परेशानी होती है। अब आपके तकरीबन सारे करंट एसेट्स भी आ गए और ऑलमोस्ट लायबिलिटीज भी आ गई। ये जो ब्लू ब्लू मैंने सी ए लिखा हुआ है, ये सारे मेरे करंट एसेट्स हैं। सबसे पहले करंट एसेट तो लिखवाओ क्लोजिंग स्टॉक, फिर हमारे पास आ गया जनाब क्या नाम है सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, यहां से मिलेगी जनाब 2800 मिली है, 3400 इनकम में लिखी है, इसका मतलब है बाकी की रिसीवेबल है। तो 3450 माइनस 2800 650। उसके बाद आपको ये भी हो गया करंट एसेट आपका, फिर आप इंटरेस्ट रिसीवेबल दो, इंटरेस्ट रिसीवेबल जनाब 200 है, 150 मिल गया है, इसका मतलब है जो 52 है वो अभी तक नहीं। तो 202 52। उसके बाद ये आपके पास जो कैश बैलेंस पड़ा हुआ है 410 किलो, जी और बताएं कौन से करंट एसेट्स हमारे हैं। प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट है, ये सिर्फ ढूंढ ढूंढ के लिखना है। प्रीपेड रेंट कितना है, 990 पे किया बनता था 700 का, बताएं जनाब कोई और सा आपका एसेट है तो बताएं करंट एसेट जो आप ने अभी तक ना लिखा हो। डन, एक मिनट यहां पर ना इसको थोड़ा सा रीचेक करें, हमारा 150 है और इधर रिसीव साइड पे नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है इंटरेस्ट बनता ही 150 है, मतलब जितना इंटरेस्ट बनता है रिसीव साइड पे आना चाहिए था ना, तो अगर कम आता हो ना तो फिर तो हम डिफरेंस लिख लेते, इसका मतलब है बनता ही 150 है, हो सकता है हमने लेट इन्वेस्टमेंट की हो। हाँ, अगर यहां पर 202 रिसीट पे कुछ भी नहीं आ रहा, इसका मतलब है 150 इनकम में आ रहा है बट नॉट रिसीव्ड, इनकम हो चुकी है बट नॉट रिसीव्ड, तो ये सारे का सारा रिसीवेबल है, ये 150 आपका रिसीवेबल है। 52 अगर 202 इनकम में होता और 150 उसमें से रिसीव हो जाता तो ये इनकम में लिखा हुआ है, तो इसको थोड़ा रिवाइज करें। जरा कितना बन गया, 100 प्लस 650 प्लस 150 प्लस 410 प्लस 230, फोर जीरो। दोबारा बताइएगा सर, 1540।
आवाज कट गई है, दोबारा बताइएगा कोई। वन फाइव फोर जीरो जीरो टू थ्री सेवन फोर टू जीरो टू जीरो। ओके की बात चले जी ना। नेक्स्ट ओपनिंग बैलेंस तो होगा नहीं ब्रॉड ऑन, क्योंकि पहला साल है। तो ओपनिंग फंड अगर होता तो लिखते ओपनिंग फंड नहीं है। यहां पर सरप्लस आ रहा है, सरप्लस प्लस कर देंगे। अगर ओपनिंग फंड की कोई इंफॉर्मेशन गिवन होती वो रिसीट साइड पर होता। टू डबल थ्री अगर ओपनिंग फंड की इंफॉर्मेशन होती वो रिसीट साइड पे बताया होता। ज्वाइनिंग फी नॉन करंट लायबिलिटी ज्वाइनिंग फी लेकर उसकी कोई यूटिलाइज नहीं बताया गया ज्वाइनिंग फी का। यहां पर देखे 2100 क्योंकि हमने इसको मैच करना है इनकम एक्सपेंडिचर के साथ। जो चीज इनकम एक्सपेंडिचर में आ गई ठीक है, जो नहीं आई या वो एसेट बन गई या वो लायबिलिटी बन गई। ज्वाइनिंग फी क्योंकि अभी एक्सपायर नहीं हुई, अब लायबिलिटी में तो सिंपल एक सैलरी पेएबल है, एक एडवांस सब्सक्रिप्शन है और एक वो लाइफ टाइम मेंबरशिप है। तो लिखें जरा लाइफ टाइम मेंबरशिप कितनी है जनाब मिली है 840, इनकम में लिखी है 360, तो बाकी लाइबिलिटी 1840 बाकी लाइबिलिटी में लिख देंगे। कितना आ जाएगा 1840 माइनस 360 1480। सैलरी पे सैलरी पेएबल है मेरे भाई है, बनती थी 740 माइनस एक और चीज भी है एडवांस सब्सक्रिप्शन जी 2022 की बताई 1360 ये एंड पे गौर फरमाइएगा। कैंटीन वाली बात कहता है सैलरी ऑफ कैंटीन सेल्समैन अमाउंटेड 90,000 इज इंक्लूडेड इन पेमेंट्स। कहता है जो सैलरी है वो कैंटीन की है, उसने पेमेंट्स के अंदर शामिल कर दी है, इस 640 के अंदर शामिल है। ये 640 में क्योंकि ये तो है ही कैंटीन की, ये तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी। उसने कहा सैलरी ऑफ कैंटीन सेल्समैन अमाउंटेड ₹90 इज इंक्लूडेड इन पेमेंट। इसका मतलब है जो दूसरी सैलरी है वो 640 माइनस 90 वो 550 है। वो 640 नहीं है और ये 90 तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट में लिखी है, वो जो जब हमने इक्वेशन बनाई है अभी
तो आप ऐसा कि ये 550 ये नहीं है, ये 640 नहीं है, ये 550 है, 550 माइनस करें, क्योंकि जो आपने ट्रेडिंग अकाउंट को चार्ज कर देते हो 150 कितना 150 इनका टोटल कर दें कितना आ गया टोटल 5090 नहीं, किसका टोटल 5090 बना रहे हो, लायबिलिटी की बता रहा हूँ, 1440 प्लस 150 प्लस 1360 2990 तो ये आपका आ जाएगा टोटल फंड एंड लायबिलिटी, टोटल फंड एंड लायबिलिटी सवाल पेपर में आया हुआ है और 10 नंबर का ये सवाल था, बेसिकली इन दोनों का लिंक बनाना था, कॉमन सेंस वाला ये सवाल था सर, ये इसका टोटल सोल्यूशन है, एक स्टेप में और जूम आउट करता हूं, हाँ जी जनाब इसको देख लीजिए और जल्दी से मार्च 2022 का सवाल निकालें, इसके बाद मार्च 2022 का सवाल निकालें, आज ये दो सवाल ही हमने डिस्कस करने हैं क्योंकि इसके बाद मेरी क्लास है, मार्च 2022 क्वेश्चन नंबर 3 है, वो भी जी जनाब मिल गया, चलें जी मार्च 2022 क्वेश्चन नंबर 3 किस पे चले गए, जी जनाब जल्दी से निकालें, मेहताब वेलफेयर हॉस्पिटल वाला क्वेश्चन है ये, रिक्वायर्ड पढ़ लेते हैं रिक्वायरमेंट में क्या है, कहता है जनाब आपने एक तो बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट चार नंबर का, और फिर आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है छह नंबर की,